ਉਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ AI ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੌਂਗ ਰਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AI ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। टोरंटो पीअरसन एयरपोर्ट के उत्ते उबर एंड लिफ्ट खास तौर पर राइड शेयर कंपनीज के वालों अज स्ट्राइक की जा रही है। कुछ साढ़े नाल राइड ड्राइवर्स मौजूद ने, नाम की है जी तुहाडा? पुनीत। पुनीत, अज स्ट्राइक की जा रही है। असं देखा कि दो तीन दिन पहला भी इस चीज़ को लैके काफ़ी हंगामा होया सी। BC जिवें AI सिस्टम आया उबर के वालों किया जा रहा, तो अज की स्ट्राइक खास तौर पर क्यों की जा रही है? सेम इसी गल करके हूँ AI इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, जेद अंदर जो थोड़ा फेयर शेयर हैगा वो एक यूनिफाइड सिस्टम तो नहीं है। मतलब ये इदा करते पे हैं कि इधर पांच जने खड़े हैं तो पांच जने नू हरेक बंदे नू डिस्क्रिमिनेटरी रेट आता, हरेक बंदे नू अलग तरीके का रेट आता पाया है और कोई यूनिफाइड रेट कार्ड तो नहीं है। समझो मैं इधरों डाउन टाउन जाना है तो किसी बंदे नू $20 की राइड शो हो रही है तो किसी नू 14 की, और वो सेम राइड। इस गल करके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है सानू एक्सप्लॉयट करन दा। तुसी AI इंट्रोड्यूस करना चाहते हो एंड तुसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हो, यदा मतलब ये नहीं है कि तुसी साडा राइड शेयर मतलब चोरी कर सकते हो सातों। हुण की हो रहा है कि जेडे कस्टमर्स है कस्टमर्स नू इह ज़्यादा चार्ज करते पे हैं बेस्ड ऑन के किन्ने बंदे हैगे हैं, मगर जेड़ा राइड शेयर सानू उहदा जेड़ा सानू प्राइज़ मिलना है उन्होंने डाउन करता है, और वो बहुत गलत हैगा यार। क्योंकि आप इंश्योरेंसिस पे करनी है, आप प्रीमियम कार्स लेके बैठे हुए हैं ताकि आप कस्टमर्स लिए या अपने आप लिए भी कुछ कर सकिए, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि एक्सप्लॉयट करन लग जाओ आप किसी को भी। पर जो तुम उबर वगैरह स्टार्ट कर दो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि तुम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, सो ये बारे की कहना चाहोगे? यह एक बहुत बड़ी लीगल टर्म हैगी है, इस बारे लॉसूट्स भी चलते पे हैं, और आप इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट वो बंदा होंदा जिहड़ा अपने हिसाब नाल जो मर्जी कर सके, आप डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है, आप डिपेंडेंट है जी उबर से। आप जी राइड कैंसल करते हैं साडा एक्सैप्टेंस रेट डाउन जाता है, आप जी राइड कैंसल करते हैं, समझो मैं राइड एक्सैप्ट की, मैंने देखा कि यह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो मैंने तो $15 मिलते पे, तो मैं 1.5 घंटा लाना एक जगह पर जाने, मैं कैंसल कर दी, मेरी कैंसलेशन रेट इफेक्ट होंगी है, सानू डीएक्टिवेट कर देंगे। उस हिसाब तो कि बंदा कह सकता फिर आप इंडिपेंडेंट है। सो कंपनी यह भी कह रही है कि सगो ऑप्शन तुम्हें होर एक्सप्लोर होंगे, तुम्हें अगे सामने डिटेल आ जाएगी, रेट आ जाएगा कि तुम इनू राइड नू एक्सैप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बिल्कुल यही गल हैगी है। हूँ आप इदा करते पे हैं कि समझो तुम मैनू एक मैनू तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ना, मैं इतने लाइन पर खड़ा, मेरे वर्गे जिन्हें भरा सारे खड़े हैं, जिनी साड़ी भैन आ के खड़ी हैं, आप 5-5 घंटे वेट करते इतने एक राइड ली, और जी राइड आँदी है ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ AI ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ AI ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅ ਵੇਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੇਟਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਲੂਜਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਰੈੱਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਲੂਜਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੇਅਰ ਫੋਰ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਨਵਾਂ AI ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟੈਕਚਰ ਸਨ ਜਦੋਂ AI
टूल आया उहदे च इह सारियां चीज़ां नूं एक्सप्लॉइट किया जा रहा जिदा भाईजान ने दस्सिया कि हर बंदे नूं डिफरेंट फेयर दिता जाता हालांकि उहदे च मैनशन साडा जिहड़ा 80% प्लस है साडा पर मिनट और 28% जिहड़ा पर किलोमीटर 80% है और 28% जिहड़ा पर मिनट है लेकिन हुण सानूं जिहड़ी राइड मिल रही है मोस्ट ऑफ द टाइम असीं देखदे हां कि जनाब बहुत सारे लोग ने 39 किलोमीटर से $23 पे कर रहे हैं वो ही सेम राइड भाजी आ रही है 21 किलोमीटर से और दूसरी गल है कि अगर असी वो राइड एक्सैप्ट नहीं करते साढ़े रेटिंग सिस्टम से आंदा फिर तो राइड ही नहीं आती 3-3 घंटे तुसी देख दे हो कोई भी कंपनी च काम करते हो किसी भी जगह काम करते हो वेज डिसाइडेड होंगी है तो एवरेज डिसाइड होंगी है तुसी इत्थे देखो तुहानू नज़र आएगा कि इत्थे ते घंटे ते $10 नहीं बन रहे तुसी इंश्योरेंस पे कर रहे हो तुसी गैस पे कर रहे हो तुसी फाइनेंस पे कर रहे हो तुहाडी एक्सपेंस होने के बावजूद तुहाडे एक्सपेंस भी मीट नहीं हो रहे और तुसी 10-10, 12-12 घंटे काम करके $123 बना रहे हो एवरेज कोई बंदा अगर गड्डी लै रहा उहदी गड्डी दा 700-800 फाइनेंस है उहदा डेली बेसिस ते $3 ते उहदी फाइनेंस जा रही है $25 $35 उहदी इंश्योरेंस जा रही है इंश्योरेंस इत्थे इन्नी हाई हो गई है जिहदी इंतहा नहीं हैगी दूसरा वो तो इलावा वो गैस दे ने डेली बेसिस से एक बंदे का एक्सपेंस $60-70 गड्डी का वह एक्सपेंस टोटल और 12-15 घंटे काम करके 120-110 इतने बहुत सारे दोस्त ऐसे भी ने जिन्होंने $70-80 बनाते हैं पूरा पूरा दिन काम करके और दूसरा वो तो 40-45 किलोमीटर से दे रहे हैं किन्ने $21-20 जो कि उन्होंने एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की टोटली खिलाफवर्जी है उन्होंने जो पहला एग्रीमेंट दस्या मैं तुम्हें दसिया वह रेट के 80 सेंट प्लस है और 25-30 सेंट प्लस जो पर मिनट वाला वो कोई भी एग्रीमेंट उन्होंने फॉलो नहीं किया जा रहा दैट्स वाई वी आर हेयर ये तो पहले अगर एग्रीमेंट फॉलो कर रहे थे असी प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि यह सारे ट्रिप्स के उत्ते ही लागू हो रहा कुछ ये भी डिस्कशन हो रही थी कि शॉर्ट ट्रिप्स से नहीं लागू हो रही ये चीज़ लोंग ट्रिप्स में ज़्यादा प्रभावित कर रही है कुछ एवं लग देखो शॉर्ट ट्रिप का यह होंगे ना कि शॉर्ट ट्रिप के तुम टाइम बहुत ज़्यादा लगता है डाउन टाउन च फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा कर रहा है एवरेज च पैसे वो ही बन रहे हैं सारे के शॉर्ट ट्रिप का है कि अद्धे घंटे में तुम्हें $7 दे रहे हैं अद्धे घंटे का 3 किलोमीटर कर दो डाउन टाउन च इतना रश और तुम्हें $7 दे रहे हैं हूँ $7 तो कोई अमाउंट नहीं हैगी और टाइम दे मनी नहीं दे रहे जो टाइम स्पेंड कर रहे हो वे सो US के कुछ थावां सरकारी इंटरफेरेंस हुई सी ते इत्थे कोई है कोई गवर्नमेंट के वालों कोई इस बारे में कोई गलबात की गई है भी कंपनी नाल गलबात करे क्योंकि कलियर ड्राइवर्स की तो गल उत्थे तक पता नहीं पहुँच पा रही है या नहीं स्टिल असी कर रहे हैं प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अप्रोच भी किया बट गवर्नमेंट की तरफों उदे तक कोई भी ये कोई हैल्प आउट नहीं हुई सानू असी जदों तक साढ़े मुतालबात पूरे नहीं होंगे असी इनू जारी रखांगे ऊबर या लिफ्ट वालों कोई अगे तुहानू कोई इस नू लेके मैसेज आया या कोई गलबात करन नू लेके कोई होया नहीं जी कुछ नहीं आया ये भी सुनन चाहे कि शायद कोई ईमेल सर्कुलेट हो रही है ऊबर वालों के कोई की ओ ईमेल है उन्होंने ये कहा कि जे तुसी GPS दे अंदर कोई एदा डिस्टर्बशन या एयरपोर्ट दे अंदर कोई डिस्टर्बशन करदे तो प्रोबेबली थानू आपा एक्सेस थोड़ा खत्म कर दूंगे एयरपोर्ट दे विच इज अगेन एन एक्सप्लॉयटेशन क्योंकि ये कोई तरीका नहीं हैगा आपा प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते जे अपनी चीज ली तो फिर उत्तों बड़ा की चीज हो सकती है हुण मैं तुहानू एक छोटी चीज दिखाउंदा आपा देखो ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ 5 ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ $15 ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਉੱਧਰ ਓਕੇ ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ $45-50 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ $2-2 ਦੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ $23 ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਈਡ ਆ ਅਤੇ ਨੋ ਬੈਕਅਪ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੈਕ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ $28 ਪੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ $28 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਿਊਲ ਲੱਗ ਗਿਆ $15 ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ $82 ਪੇ ਕਰਿਆ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ $82 ਪੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ $23 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ $26 ਸੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ AI ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ AI ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋਤਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ 1 ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ AI ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸੈਂਟ ਦੀ ਰਾਈਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸੈਂਟ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵੀ GTA ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਪੂਰਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਸਰਚ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਰਚ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2x ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ 3x ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਈਡਰਸ ਘੱਟ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ AI ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਡਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ $2 ਦੀ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਗਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰੇਟ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ $10 ਦੀ ਰੇਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਫ ਊਬਰ ਐਕਸ ਸੋ ਇਟਸ ਕਰੰਟਲੀ ਸ਼ੋਇੰਗ 41 ਪਲੱਸ ਦੇਅਰ ਟੈਕਸ ਔਨ ਇਟ ਇਟਸ ਅਪਵਰਡ ਲਾਈਕ ਟੂ $47 ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਗੈਟਿੰਗ ਰਾਈਡ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ $14 ਜਸਟ $14 to $15 ਦੈਟਸ ਆਲ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਲਾਈਕ 75 to 60% ਈਵਨ 407 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 407 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੂਟ ਜਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਮ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਸਟਮਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 407 ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰ ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 407 ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ 407 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਸਟਮਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਉਬਰ ਡਜ਼ਨਟ ਲਿਸਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰਾਈਡਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਲਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਲਿਫਟ ਕੈਂਸਲ ਮਾਈ ਐਪ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ continuously last 4.5 years I've got all the 5 stars and I've got 94% so what's the reason that they have deactivated one lady called and she complained about something I don't know and what she complained and I have got the reputation like every week that I have got 5 stars in everything but suddenly they say and one guy he talked to me and he's saying you know no question as if they are our royal families and we are the servants right no this is not fair so there isn't any camera or any device in your car that you can at least show your side I don't have the camera in my car for sure but I challenged that I don't tell me the name of the person but please tell me what I have done to her did I rape her did I touch her body did I do anything wrong did I smoke did I drink they are not allowed to tell anything to me I said don't tell me her name don't tell me anything just tell me what I have done to her jinna de dash cams lage vi ne ohna de vi koi action litta nahi janda bade sare idhar hun ek piche question aaya si ki ohna da vi bolo jinna de uber account band kite jande hai just because of ki ek rider di ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਈਡਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਨਾ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਏਗੀ ਵੈਦਰ ਉਹ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੋ ਵਨ ਮੈਟਰਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਸੂ ਯੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਚੱਕੀ ਹੈ ਗਰਲ ਸੀਗੀ ਡਰੰਕ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ
उन्हें मैं सैक्शुअल असॉल्ट किया, मैं वो कंप्लेट लिफ्ट में की, मेरा कोई वो पर एक्शन नहीं होया। मैंने उन्होंने बोला कि तेनों इस राइड तो आप डीएक्टिवेट कर देने, मतलब तेरा अनब्लॉकिंग कर देने कि तुम उस राइड नहीं हैगी। जे ए चीज़ साडे वालों हुई होंगी तो सेम एक्शन होंगे। सो ड्राइवर की सेफ्टी लिए तुहाडे कहना मतलब कंपनी वालों कुछ नहीं? कुछ भी नहीं किया जाता, ना असी सेफ हाँ। कार चैकिंग साडे नाल होंदी है, तुसीं बड़े सारे इंसिडेंट सुने होंगे। ब्रैम्पटन दे विच मुंडे ने जिहड़ी पैलेट गन होंदी है उहदे नाल शूट किया, स्कारब्रो दे विच स्टैब किया नाइफ दे नाल, साडी सेफ्टी कित्थे है? राइड्स आंदियां 4 आवर समथिंग समथिंग मिनट्स नॉर्थ ईस्ट, आपां जाने आ हार्बर उहदी होंदी है डाउनटाउन दे विच, बिल्कुल हार्बर दी होंदी है जिहदे विच पानी दे विचों जाके राइड पिक करनी होंदी है, आपां राइड नहीं पिक कर सकते। उहदे विच सानूं कैंसल राइड करनी पैंदी है, साडा कैंसलेशन रेट हिट हुंदा। एक्सैप्टेंस की गल भी कर रहा सीगा, एक्सैप्टेंस की गल जे तुसीं करोगे 85-90 तुहानू इन्हां ने कीता एक बेंचमार्क किया, 85 तो उपर तुहानू रखना ही पएगा जे तुहानू राइड चाहीदियां। हुण 85-86-87 चाहीदा हुंदा सीगा, क्योंकि डाउनटाउन दी राइड जे इधरों इस पीक आवर दे विच लाइक इट टुक अस 1 आवर 20 मिनट्स टू 1 आवर 30 मिनट्स, सानू उधर राइड उतारन तो बाद $20-22 मिलते हैं विद टैक्सिस, कौन उस राइड नू करना चाहेगा? और आफ्टर वेटिंग हेयर फॉर सो लॉन्ग, लाइक 3 to 4 घंटे की वेटिंग होंगी इतने एयरपोर्ट। मैं एक्सल गड्डी की गल नहीं कर रहा, मैं हाईलैंडर चलाना, मैं एक्सल गड्डी की गल नहीं कर रहा, मैं एक्स गड्डी एक नॉर्मल कार की गल कर रहा, जिन्हें जेडे स्टूडेंट्स ने उन्होंने 20 आवर्स का उन्हों का कैपिंग लग गई। जिस बंद वेट ही इतने 6 घंटे करनी पेगी तो वह 20 आवर अगला की करेगा? पूरे वीक के अपना किमें गुजारा करेगा, किमें फीस कटेगा, किमें अपनी ग्रॉसरी कटेगा, किमें रेंट कटेगा? मतलब मैं किसी भी वीर भरा जो सा इस टाइम से राइड चक्के जा रहा, मैं उन्होंने गलत नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने उपर ओबलीगेशन उन्होंने उपर लाइबिलिटीज़ है, पर गल सिर्फ इन्नी जी है कि कोई भी स्टैंड नहीं लै रहा साडे लिए, कोई भी नहीं खड़ रहा, उबर नहीं सुन रही, किसते भी प्राइजिज घट नहीं किए उन्होंने साडे तो अलावा। लाइक उन्होंने एक मेल है कैथरीन रैंक करके हैगी, आई एम मैनशनिंग द नेम, कैथरीन रैंक करके हैगी है, बोवनविल दे विच रहिंदी है, शी इज़ द वन जिन्हें पूरा सब कुछ डिसाइड अपना डिजाइन किया। यह सारा वैंकूवर दे विच भी होया सीगा स्ट्राइक, एक दिन स्ट्राइक दे नाल कुछ नहीं होएगा, तुहानू इहदे लिए स्टैंड अप करना पएगा। इत्थे अपने बंदे इकट्ठे नहीं होंदे, मोर दैन 3 लाख पीपल आर लाइक उबर ऐप ते हैगे ने, ते 300 बंदे ने या 200 बंदे ने ऐप बंद करती वो कोई फर्क नहीं पेगा, हर कोई परेशान है। आई कैन शो यू, मैं हुणी लाइक मैं लाइव दिखा देना, या लाइक मैं हुणी किसी ने पाया कि है ताड़ा उबर ते की हैगा $80, लाइक 83 किलोमीटर 1 आवर 11 मिनट $80, बिफोर इट यूज टू बी 90+ टैक्सिस। और यह इंटरसिटी दी राइड्स ने जिदे करके बंदे नू ऑलमोस्ट इत्थे 24 आवर्स लिए बैठना पैंदा अपना घर परिवार छड के। इत्थे मैं तुहानू बहुत सारे बंदे इदां दे दिखा दांगा जिहड़े बंदे सब कुछ छड के अपनी फैमिली नू, एक फ्रेंड है साडा इत्थे उहदा नाम हैगा कौशल, 3 डेज ही यूज टू स्टे हेयर कि एक मैनू अच्छी राइड मिल जाए कि मैं कुछ कर देवां, तो इदा नहीं गुजारा करेगा। बाकी मतलब मैं ज़्यादा यूनिटी की गल की हूँ, तुम क्या एड्डी वड्डी गिनती ड्राइवर्स है पर यूनिटी की जो गल आती है किन्ने इकट्ठे हो रहे कंपनी से, तुम इदा किमें प्रेशर पाओगे? सबनों सोचना पेगा ना, हुणी जस्ट हुणी भी जिन्ना इकट्ठ होया आप माइक के बोल बोल के गड्डिया सबनों कट के लिया कि मेरे लिए नहीं खड़े हो रहे है ना। मैं उबर आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन, मैं बैंकिंग शुरू कर दाँगा, मैंने कोई फर्क नहीं पता, पर जिन्हों का कम ही है वो किदा करेंगे? मेरे लिए कले वास्ते स्टैंड नहीं है, उबर ड्राइवर्स वास्ते सब दे वास्ते है और सबनों खड़े होना पेगा। यूनिटी असी किसी बोल के या किसी जगा के नहीं कर सकते, तुहाडे माध्यम के नाल मीडिया के माध्यम के नाल असी जरूर किसी कह सकते हैं कि तुसी साडे लिए स्टैंड करो। हुण टर्मिनल ते जाण दा रीजन सिर्फ है सीगा कि कस्टमर सानू सपोर्ट कर सकता, सिर्फ नाउ इट्स द कस्टमर एंड अस, उबर नहीं सुन रही, कस्टमर उबर ऐप करनी बंद कर दे, इट्स ओके, थोड़े दिन नहीं करोगे फर्क पेगा। TTC की स्ट्राइक होंगी है विद इन अ डे सब चीज़ा सॉर्टेड होंगे, इतने सानू नहीं पता साड़ी फाइट कितनी लंबी चलेगी। इन्होंने थोड़े दिन पहला एक राइड कैंसल करती जी एयरपोर्ट तो, जिदा आप हूँ गल कर रहे थे कि सानू अपफ्रंट फेयर आंदा, अपफ्रंट फेयर नू आपा साड़ी मर्जी हैगी आपा कैंसल कर सकते नहीं कर सकते, आ नतीजा है जी उहदा। इज इनएलिजिबल टू स्टे इन द एयरपोर्ट इन एनी राइड, इनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया एयरपोर्ट के पिकअप के लिए, एयरपोर्ट के पिकअप और लाइक इनका अकाउंट बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राइड कैंसिल की है, क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं नहीं करनी $5 की राइड, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उस कारब्रो की राइड आई यहाँ से $20 की, मैं वहाँ पर गया, मैंने उससे पूछा जो राइडर था मेरा, मैं कहा आपने कितने पे किए, उन्होंने बोला कि हमने 60 पे किए हैं, सो दे पे 60 वी आर गेटिंग 20, और हमारा फ्यूल भी लग रहा है, यदि हम बस में भी जाते हैं ना वहाँ तक तो बस में 15 से ऊपर लगते हैं, जिसमें कि 3 आवर का सफ़र आराम से है, बट कोई हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, रॉन्ग रिव्यू डालते हैं लोग, रॉन्ग रिव्यू डाल देते हैं कुछ भी और हमारा अकाउंट बंद हो जाता है, सीधा अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो रहे हैं। हाँ जी, एक्सेप्टेंस रेट हुंदा जी, साडे कोल उबर गाइडलाइंस कहंदी है कार सीट नहीं है, तुसी कस्टमर नूं राइट अवे मना कर सकते हो कि तुसी नहीं लैके जाना, जो कि लॉ भी है टोरोंटो दा, असीं अपने मन तो नहीं कह रहे, मैं बूस्टर सीट रखी हुई है ना, बट कई बच्चे बहुत जिदा लाइक लैब दे विच हुंदे आ
बिलो वन ईयर उन्होंने इनफेंट जिन्हों असी कह सकते हैं तो उन्होंने असी उत्तर बूस्टर से सीट पर नहीं लेके जा सकते आप राइड कैंसल करते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स जिन्होंने इदा राइड कैंसल की उन्होंने एयरपोर्ट एक्सैस बंद किया गया। हूँ मैं एक कैमरे के दिखा रहा सर्ज से राइड चकी गई है, इस सर्ज से राइड चकी गई अप फ्रंट फेयर $80 सर्ज आई है, फेयर पे हुआ $43 ए कस्टमर कस्टमर केयर से गल की है नहीं कुछ होया बाद कॉल करके फिर सेम राइड का फेयर बताया $86 तो पहला चोरी क्यों एक फ्लाइट वड्डी उतर जाए तो उत्थे ट्रैफिक जाम हो जाता तो जो उधर पहुंचने में वैसे 3 to 4 minutes लगते हैं, जो उत्थे पहुंचने में 10 minutes लगता है राइडर स्कूपर आता सर ड्राइवर इज नॉट मूविंग कैंसल आई विल टेक यू इन द कैश, आप नहीं कर रहे हैं सब चीज़ा। सो की वो उबर ड्राइवर नहीं है? उबर ड्राइवर नहीं है, दे आर स्कूपर्स और अज तो नहीं चल रहा। अच्छा जो उबर ड्राइवर होंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज अंदर अनाउंस क्यों कर रही हैं इस चीज़ में कि तुम सिर्फ राइड शेयर ऐप बुक करो या लिमोज बुक करो, यह सब चीज़ा अंदर अनाउंसमेंट हो रही हैं। स्कूपर्स बिल्कुल डिफरेंट ने, उन्होंने अपनी पार्किंग लॉट के पार्किंग लगाई होंगी है, उन्होंने दो तीन हैड ने जेडे राइड चक चक के देंगे ने, वी नो दैम अगे गाल करते हैं, साढ़े को वीडियोज़ ने असी वीडियो एविडेंस के नाल तुहानू सब चीज़ें दिखा सकते हैं कि वीडियोज़ ने जिन्होंने आप वीडियो बनाई हैं सानू अगे माँ भैन दी गाल कर रहा है जेडे लाइक फॉरनर्स ने वो भी सानू गाल कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी साड़ा साथ नहीं दे रही। सिक्योरिटी तक रली हुई है, मैं यह भी चीज़ ओपन कैमरे तो बोल रहा सिक्योरिटी तक रली हुई है, सिक्योरिटी इशारा करती है चले जाओ चले जाते हैं, जो अभी बोलते हैं फिर वो वापस घूम के आ जाते हैं, तुम किसी को भी पूछ सकते हो। स्कूपर मतलब यदि उन्होंने एक फोटो कैप्चर कैमरा डाल दिया ना जो सिक्योरिटी वाले हैं तो हमारा अकाउंट ब्लॉक उसी टाइम। लास्ट वीक मेरी एक राइड आई थी टोरंटो की, लाइक वीकेंड था वो, तो जो मतलब कुछ लड़कियाँ जो उन्होंने पूरी मैस क्रिएट कर दी, बियर वगैरह उसके अंदर पूरी डाल दी उन्होंने, तो मैंने उबर के पास कॉल किया कि उन्होंने मेरी कार में मैस क्रिएट कर दी, आई कांट इवन डू अ राइड राइट नाउ। सो उन्होंने बोला कि आप मेरे पास स्लिप भेजो इसको वॉश कराने के बाद। अब मैं वहाँ पे रात को 12 बजे का टाइम था, नेक्स्ट डे मैंने गाड़ी वॉश कराई, वो मेरा टाइम सारा खराब हुआ। मैंने उनके पास भेजी स्लिप $150 की और उन्होंने बोला कि नहीं वीकर पे ओनली 70। फाइनल हम डिमांड की है की मांगे डिमांड आया कि साड़ा फेयर वापस ना ठीक किया जाए और सारी जड़ी क्रिस्टल क्लीयर चीज़ें रहनी चाहिए जिदा पहला सगिया। असं नहीं कह रहे कि अपने साडे फेयर में इनक्रीज़ करो जो पहला सगा, जो साडा पहला फेयर सगा सानू वो भी मिल जाएगा, वी आर सैटिस्फाइड विद दैट। और इंटरसिटी जड़ा वाला इन्होंने नवा एक कंसैप्ट शुरू किया इंटरसिटी का, उन्होंने हटाया जाए क्योंकि वो करके लॉट के एक एक गड्डी के चार चार पाँच पाँच फोन पे रहेंगे जेडे कि सही नहीं है, जिदे करके कार्स जी सानू लॉट के दिखती हैं वो घट होंगे फोन ज़्यादा होंगे है, तो वह सब चीज़ा गलत हो रही हैं इतने, तो यह सब चीज़ा बंद की जान जो साडा पहला फेयर सगा सानू वो ही दिता जाए। ले जो 2 weeks पहले था, ओनली 2 weeks पहले ही हुआ ये सब कुछ, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया तो सीधा उन्होंने शुरू कर दिया था, कोई सानू इन्फॉर्मेशन नहीं आई सीधा उबर। अच्छा तुसी उबर ऑनलाइन करते हो तो उत्थे सीधा लिखा आता है टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट होता है, जब तक तुसी उन्हें ओके नहीं करोगे तुसी ऑनलाइन नहीं जा सकते। और मैंने देखा कि एग्रीमेंट आया है, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं ऑनलाइन जा ही नहीं सकता था, तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद तभी ऑनलाइन हुआ और उस एग्रीमेंट के अंदर वही चीज़ें थी, तो मतलब पूरी तरीके से मैं ब्लॉक करके रखा है। ट्रैप करके सड़कों साइन कराए जाते हैं, वी आर नॉट लाइक हैप्पीली वी डिडंट साइन इट, किसी ने भी नहीं किया होगा, किसी ने वो एग्रीमेंट पूरा पढ़िया भी नहीं होगा, वो एग्रीमेंट जब तक तुम ऑनलाइन नहीं जा सकते क्योंकि तुम उसको साइन नहीं करोगे, उस एग्रीमेंट को साइन नहीं करोगे, साइन करने के बाद ही तुम्हारी ऐप ऑन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्ज वुड लाइक टू नो अबाउट द स्ट्राइक, व्हाट इज द मेन रीजन? Well, it's a demonstration. And if we had a collective agreement with Uber, this would be a strike. But we don't have any agreement with Uber other than the one that they give us that provides no options. So today's strike is specifically about the low wages and Uber's exploitation of the drivers, taking more money over and over and over. On October 8th, they rolled out a new pay scheme that's called upfront fares. That system is using AI to generate what might be a pay for a driver versus a standard rate card. So for drivers, what we've seen in the upfront portion of this over the last week means they're being paid 30% less for long rides. But riders are still being charged the same amount. So that means that Uber's just simply taking more money from the drivers. Do you think so they are really independent? No, and if they were true independent contractors, they could negotiate the price of the fares for each and every ride. There's no opportunity for them to do any of that stuff. So
what are your demands right now? We want Uber to take the upfront fare away. Mm-hmm. We still want the upfront details, mm-hmm. but the AI can't be generating the fees. Mm-hmm. It has to be a rate card. We need to be paid each kilometer and each minute we have a rider in the car. So the AI has to go away. So is it affecting only the long rides or the short rides too? There's an effect on the short rides, but it's much less than on the long rides. We're seeing it on the long rides specifically. That's where it's doing the most harm. And that's what an Uber driver is out there. He's doing the short trips all day, waiting to get a long one, because he knows that's where he's going to earn his money the fastest, and that's on the highway. So now Uber has taken that away. So the one thing that they work for every day, they've taken away. So we have seen in US, like with the government interference, they have changed their some of the policies. But in Canada, especially in Ontario, so do you think so, like you are talking to the government to interfere in this matter, or you are directly talking to the Uber? Well, Uber won't talk to us. Uber won't talk to any drivers because they don't want to acknowledge that they actually exist. Mm-hmm. They're all about their technology platform. Mm-hmm. But we have talked to provincial government. Mm-hmm. We're working closely with mm-hmm. municipal government in finding ways to make bylaws that make sense, that works for drivers as people from their community where they have the right to earn a living wage.